सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके फेब गेमिंग। तो गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में जो भी बताने वाला आप लोग बोलोगे। मजा आया। हाँ तो गाइस, हम बात करेंगे अपना जो ब्रांड न्यू अपकमिंग MT87 है एंड जो आने वाला है हमारे जो गेम आएगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जो अभी न्यू MT87 है अभी जो आया है हैंड ऑफ हॉप या तो वन पंच मैन, दोनों गाइस सेम है। इन दोनों को ले लोगे इसके साथ, और जो आने वाला है उसका वर्सेस होने वाला है एंड साथ ही आप लोगों को लेना चाहिए, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने वाला है तो आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद जो भी है गाइस, स्कैम जो कर रहा है फ्री फायर हमारे साथ, वो भी आप लोग को बताने वाले हैं क्या स्कैम कर रहा है, तो आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे जो हमारे गेम में आने वाला अपकमिंग MT87 तो कौन से आने वाला है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ पिक, तो आप लोग इसमें बताओगे कौन से आने वाला है तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा इसमें कौन से आने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे न्यू अपकमिंग MT87 तो आप लोग के सामने इतने सारे आ जाएंगे वहाँ पे, तो आप लोग सोच रहे हैं उसमें कौन से आने वाले हैं, तो आप लोगों को क्लियरली बता देंगे जो हमारा न्यू आने वाला वो कौन सा आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले देख लो जो आप लोग के सामने यूट्यूब में आए होंगे अगर आप लोग सर्च किए हो तो कौन सा वाला रियल है तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो आप इसी के लिए आप लोग को वीडियो में लास्ट तक रहना, और इसके हम भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो हमारे गेम में आने वाला है अपकमिंग MT87 वो होने वाला आपके सामने, जो अभी हम पिक दिखाने वाले हैं वही होने वाला जो हमारा अपकमिंग MT87 है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस, ये होने वाला आपका ब्रांड न्यू MT87। और मैं आप लोग को बता दूँ, ये ईबो गन नहीं है, ये एक लेजेंडरी है, जैसे ट्रॉपिकल, वन पंच मैन, हैंड ऑफ हॉप, जितना भी MT87 आया है उसी प्रकार का होगा। और हाँ गाइस, जो स्टोर में अवेल किया था उसके तरह ये नहीं है, आप लोग को ये लेजेंडरी में मिलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। सो गाइस, तो आप लोगों को पता चल चुका है कि हमारा जो न्यू MT87 वो कौन सा है। तो मैं आप लोगों को अब आगे बात करेंगे जो हमारे साथ गेम में स्कैम हो रहा है, जो फ्री फायर गिरेना आप जो भी समझो वो जो हमारे साथ स्कैम कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला, आप लोगों को याद ही होगा इनक्यूबेटर का MP40, तो आप लोग को याद ही होगा जो पोकर MP40 एंड जो सारे MP40 को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग देख सकते हो जो अभी जो न्यू आया हमारा MT87 और वन पंच मैन का एट्रीब्यूट्स जो है सैम है गैस, आप लोगों को पता है सैम है, और यही से मतलब स्कैम कर रहा है गिरना वाले हमारे साथ, जो हमारे पैसे तो ले रहे हैं बट उसका कोई रीजन नहीं दे रहा, उसका कोई मान्य नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग खर्चा कर रहे और आप लोग यही बोल रहे हो। आप दोना, आप दोना। तो आप लोग कितनी मतलब MT87 लोगे भाई, और आप लोग को मतलब चार पांच तो हो गए गेम, और इसका स्किन तो ला रहे हैं बट उसके एट्रीब्यूट्स तो सेम ला रहे हैं, और जैसे कि आप लोग को पता है जो अपकमिंग आने वाला है उसका भी यही होने वाला है, समझ रहे हो। तो हम आपको बता देंगे जो अपकमिंग MT87 है इसका एट्रीब्यूट तो आप लोग को बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं जो अपना स्कैम चल रहा है फ्री फायर में, तो ठीक है ना, आप लोग को मैं पहले स्कैम बताता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पे। तो गैस आप लोग यहाँ देखो, इस MP40 में गैस इसके एट्रीब्यूट्स जो है डबल डैमेज और रेंज इसका सिंगल है, ठीक है। एंड गैस ये MP40 है मैकेनिकल, तो एंड हम आप लोग को दिखाने वाले हैं इनक्यूबेटर वाला MP40 एंड उसका हम एट्रीब्यूट्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो आप लोग यहाँ पे इनक्यूबेटर का MP40 आप लोग देख सकते हो एट्रीब्यूट्स है जिसका डबल डैमेज और सिंगल रेंज है, तो और यहाँ पे मैकेनिकल MP40 है, तो दोनों का सेम है गैस। एंड और भी आप लोग दिखाने वाले हैं, अभी रुक जाओ। तो उससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन आप लोग ऑल पे मतलब सेट कर देना गाइस, ठीक है। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। तो आप लोग जानते हैं कि कोबरा MP40 से पहले पोकर MP40 आया, एंड इस MP40 का आप एट्रीब्यूट देख सकते हो, डबल डैमेज है, सिंगल रेट ऑफ फायर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब कोबरा का, तो अब कोबरा को अभी दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कोबरा MP40 का एट्रीब्यूट्स है डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर, एंड पोकर MP40 का डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर, तो गाइस दोनों का सेम है। तो इसके हम यही हो रहा है गाइस, जो MP40 का मैंने सिर्फ दिखाया, अभी और गन का बाकी है, ठीक है ना, एंड आप लोग और भी दिखाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे इस कार, तो इस कार के हम सारे दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो गैस यहाँ पर रहा इस कार, उसके एट्रीब्यूट्स है डैमेज सिंगल, रेट ऑफ फायर डबल, एंड ये क्यूपिड इस कार है। तो अब हम दिखाने वाले अल्फा मेगा लेडन इस कार जो है, मतलब गैस ईवो का इस कार, उसका दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये है गैस ईवो इस कार, एंड इसका भी सिंगल डैमेज है और रेट ऑफ फायर डबल है,
तो ये दोनों सेम, और साथ ही आप लोग को टाइटन स्कार भी हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जी, इस स्कार का है डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर डबल। तो गाइस ये तीनों स्कार है जो गाइस तीनों सेम है, एंड तीनों का आप लोग को पता है अमाउंट जो लगे होंगे आप लोग को निकालने में, कम से कम गाइस आप लोग को पता है जो खास तौर पे आप लोग को इस क्यूपिड स्कार में सबसे पहले जो था उसमें कितना डायमंड लगा आप लोग को याद ही होगा, एंड इसके बाद जो ईवो आया उसमें भी लगा होगा, एंड टाइटन में भी लगा होगा। तो अगर तीनों अगर स्कार आप लोग के पास होगा तो आप लोग खुद मतलब अनुमान लगा लो आप लोग को कितना डायमंड लगा होगा। तो हम अब बात करेंगे जो M4-1 का स्किन, तो उसका भी आप लोग को दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो जो M4-1 का स्किन है गाइस, इसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हो, सिंगल डैमेज और रेट ऑफ फायर डबल है। एंड जो गाइस आप लोगों को पता है जो पहले जो M4-1 आया था गाइस उसका भी यही है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसका डैमेज सिंगल है रेट ऑफ फायर डबल, यानी कि सेम। और एक M4-1 का स्किन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल डैमेज रेट ऑफ फायर डबल, यानी कि तीनों का डैमेज सिंगल और रेट ऑफ फायर डबल तीनों का सेम है यहाँ पे। तो फिर भी आप लोग बोलते हो आप दोना। एंड अगर कोई यूट्यूबर अगर बोल दे इसे मत निकलो तो आप लोग बोलोगे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा तोड़। ठीक है ना गाइस, आप लोग यही बोलने वाले। तो गाइस आप लोग को मैं बताने वाला हूँ जो एट्रीब्यूट्स क्या होने वाला अपकमिंग का। तो अपकमिंग का आप लोगों को पता जो अभी याद होगा जो रेट ऑफ फायर जो इसका डबल है गाइस अंडरवर्ल्ड रैपर, आप लोगों को ये फ्री में देखने को मिला होगा, ठीक है। एंड ये 14 दिन के लिए आप लोग को फ्री में मिला, आप लोग इसे चलाओगे। जिसके पास स्किन नहीं होगा तो बोलेगा अच्छा लग रहा है ये चलाने में बढ़िया, इसलिए दिया गया गाइस क्योंकि जो अपना अपकमिंग आने वाला इसका एट्रीब्यूट इसी तरह रहने वाला है, रेट ऑफ फायर होने वाला है डबल, और मतलब कन्फर्म होने पर इसका होने वाला यही, क्योंकि इसीलिए चलाने के लिए रहने वाले दिए आप लोग को। जो आप लोग के पास बिना स्किन वाले होगा उसमें तो आप लोग को अच्छी लगी होगी ना, मतलब उससे अच्छी तो आप लोग को जो अभी स्किन मिला वो बहुत बढ़िया आप लोग को लगी होगी, क्योंकि आप लोग बिना स्किन के खेले हो, आप लोग की स्किन मिल गया हो तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सोचेगा मैं भी निकालूंगा। एंड जो आने वाला रहेगा नेक्स्ट में आप लोग यही देखने को मिलेगा, आप लोग सोचेंगे वो स्किन इस तरह का चलाने को लग रहा था तो मैं ये स्किन निकालूंगा। तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग को पता होगा फ्री फायर का डाउनलोड कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो एक साल पहले का यह 500 मिलियन प्लस है, अभी एक दो महीने में आप लोग को 1 बिलियन प्लस हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड। तो उनमें से आप लोग को पता होगा 50 करोड़ बंदे ऐसे होंगे जो आप लोग को ये गन निकाल लेंगे, ठीक है, और एक बंदे का लग जाएंगे 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये ये गन निकालने में लग ही जाएंगे। तो 1000 करोड़ में अगर 50 करोड़ बंदे निकालेंगे तो आप लोग को पता है 50000 करोड़ एक गन से अगर कमाई होगा गरीना वालों को तो वो क्यों नहीं गन देगा, बराबर देगा आप लोग को गन वो 2 महीने में 1 महीने फिर अपडेट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा एक न्यू M87 और उसका एट्रीब्यूट्स वो कहाँ से लाएगा आप लोग को वही सेम देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग को फ्री में चलाने को मिला। क्योंकि आप लोग के पास अगर बहुत सारे बंदे के पास नहीं होंगे आप लोग को पता है जिसके पास पैसे नहीं, फिर वो किसी तरह निकाल लेंगे पैसे, और घर का जैसे भी चोरी करके करे वो कुछ भी करे वो निकालने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह निकालते रहोगे ग्रेना वाले लाते रहेंगे, तो इसी में आप लोगों को बता दें यूट्यूबर का भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वो वीडियो डालता है उनका चलता है, एंड जो M8087 है वो बहुत ट्रेन करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई भी डालेगा ये बहुत ट्रेन करता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो इस गन के बारे में मत सोचो, और कोई भरसेस वगैरह नहीं होने वाला मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर। तो इसे आप लोग अगर स्किन में चलाओगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, अगर आप लोग के पास स्किन नहीं है अगर शुरू से बिना स्किन में खेल रहे हो तो फिर भी आप लोग को अच्छा लगेगा खेलने में, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग का पैसा नहीं है तो मत निकालो, यूट्यूबर को मत देखो, यूट्यूबर को मिलता है पैसा वो अपने घर से नहीं लगाता है पैसा, उसे इनकम होता है उसी से लगाता है, उसी से उसका घर भी चलता है, तो ठीक है ना। आप लोग के पास अगर पैसा नहीं है तो आप लोग इसे मत लो, और आप लोग आराम से खेलो बिना स्किन के, ठीक है ना। आप लोग बिना स्किन के खेलो वो भी ठीक है, मैं भी बिना स्किन से खेलता हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना गाइस, और वीडियो थोड़ा लंबी हो चुका है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।